हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैरामेडिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे आरपीएमसी की जो थर्ड काउंसलिंग है उसके बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें, एंड तक देखें, तभी आपको इसकी पूरी जानकारी है वो अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। आप लोगों को एक बात और बता दूं कि ये जो थर्ड काउंसलिंग है ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जिन्होंने ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किया था पहले, सबके लिए नहीं है। जिन्होंने ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किया था सिर्फ उन्हीं के लिए है। जिन्होंने अभी तक फॉर्म ही अप्लाई नहीं किया उनको शायद नेक्स्ट काउंसलिंग हो उसमें पार्टिसिपेट के लिए मौका दिया जाएगा। फ्रेंड्स, मैं वीर सारस्वत और आज फिर से आप लोगों के बीच में एक नए वीडियो के लिए। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि थर्ड काउंसलिंग जो है आरपीएमसी की जो थर्ड काउंसलिंग है उसके बारे में एक गाइडलाइन जारी हुई थी, लेकिन उसकी विस्तृत जानकारी, उसका फुल जो नोटिफिकेशन है वो आज जारी हुआ है। तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। हाँ, एक बात, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल स्टडी में अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और शेयर करें। मैं रोज़ पैरामेडिकल से रिलेटेड ऐसे नए नए वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। आपने पिछले वीडियो में देखा था कि एक पेपर कटिंग आई हुई थी राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल के नाम से थर्ड काउंसलिंग के बारे में। उसका जो फुल एडवर्टाइजमेंट है, उसका जो फुल नोटिफिकेशन है वो आज जारी हो चुका है। तो फुल नोटिफिकेशन में दिया हुआ है थर्ड काउंसलिंग एंड मॉपअप राउंड हेतु समय सारणी एवं दिशा निर्देश। राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल नोटिफिकेशन की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जयपुर द्वारा 17-19-20 में विभिन्न पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों के द्वारा दिनांक 3/7/2019 से 31/7/2019 तक जो ऑनलाइन आवेदन जो प्रस्तुत किए गए थे उनके लिए फर्स्ट काउंसलिंग और सेकंड काउंसलिंग आयोजित हो गई है। उसके बाद में जिन कॉलेजों में जो सीटें रिक्त रहेगी उसके लिए थर्ड ऑफलाइन काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया है। थर्ड जो ऑफलाइन काउंसलिंग जो स्टार्ट की है इन्होंने, इसके बारे में आज फुल गाइड आ चुकी है। तो इसमें दिया हुआ है परसेंटेज के हिसाब से दिया हुआ है कि कौन से परसेंटेज को कितने तारीख तक ये आपको जयपुर में पहुंचना है। तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, एक नंबर पे दिया हुआ है 4 तारीख को उन स्टूडेंट को जाना है जो मतलब टीएसपी क्षेत्र से हो या फिर डिफेंस वाले हो, दिव्यांगंज हो, विधवा या तलाकशुदा, जो उनको अलग से जो रिजर्वेशन मिला हुआ है उनके लिए 4 तारीख दी हुई है। उसके बाद सेकेंड नंबर पर आता है 5 तारीख। 5 तारीख को उन स्टूडेंट्स को जयपुर में उपस्थित होना है जिनके 12th के अंदर 71% या इससे अधिक है। उसके बाद में 9 तारीख का दिया हुआ है, 9 तारीख को उन स्टूडेंट को जाना है जिनके 12th के परसेंटेज 67 से लेकर के 71 तक जिनके हैं उनको 9 तारीख को उपस्थित होना है। उसके बाद में दिया है 10 तारीख, 10 तारीख को उन स्टूडेंट को जाना है जिनके 12th के परसेंटेज 64 से लेकर के 67 तक इनके बीच में है। उसके बाद में 5 नंबर पे आता है 11 तारीख, 11 तारीख को उन स्टूडेंट को जाना है जिनके 12th के परसेंटेज 62 से लेकर के 64 तक है। उसके बाद में 6 नंबर पे आता है 12 तारीख, 12 तारीख को उन स्टूडेंट को जाना है जिनके 12th के परसेंटेज 60% से लेकर के 62 के बीच में है। 13 तारीख, 13 तारीख को उन स्टूडेंट को जाना है जिनके परसेंटेज 12th के 57 से लेकर के 60 तक है, उन्हीं को जाना है। उसके बाद में जैसे नीचे दिया हुआ है 8 नंबर पे 12th के परसेंटेज 54 से लेकर के 57 के बीच में है उनको 8 तारीख को वहाँ पे चौदह तारीख को वहाँ पे मौजूद होना है। उसके बाद में 9 नंबर पे जो दिया हुआ है वो है 15 तारीख के लिए, 15 तारीख को उन स्टूडेंट को जाना है। वह समस्त अभ्यर्थी जिनका उच्च माध्यमिक परीक्षा में परसेंटेज है वो 54 से लेकर के 54 या इससे कम हो, समस्त अभ्यर्थी मतलब जो भी रह गए जिन्होंने ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किया था उन सबको 15 तारीख को मौजूद होना है। इसमें जो उपयुक्त तालिका में
यथावर्णित समस्त अभ्यर्थी संबंधित संलग्न सूची में अपना टोकन नंबर नोट कर लेंगे। आपको वहाँ पे एक टोकन नंबर दिया जाएगा, वो टोकन नंबर आप नोट कर लें। काउंसलिंग के दौरान इसी टोकन नंबर से अभ्यर्थियों का अवसर प्रदान किया जाएगा। आपको टोकन नंबर वहाँ दिया जाएगा और टोकन नंबर आपको नोट करना है। इसके बाद में आपको जाना कहाँ है, एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, चौपाल प्रशिक्षण संस्थान, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, बड़ौदिया बस्ती स्टेशन के सामने, आरटीडीसी स्वागतम होटल के पीछे। आरटीडीसी स्वागतम होटल के पीछे जयपुर के अंदर आवश्यक रूप से व्यक्तिस्थ उपस्थित होना है, यानी जो स्टूडेंट है जिसको एडमिशन लेना है वो खुद उपस्थित होगा, न कि किसी गार्जियन को भेजे। इसकी जो विस्तृत जानकारी है वो नीचे और दी गई है, आप इसके अंदर देख सकते हैं कि थर्ड काउंसलिंग के अंदर मोपअप राउंड के अंदर वर्णित श्रेणी मेरिट के अनुसार। अब एक मेन जो है उसके बारे में बात करते हैं। मेन इसमें जो थर्ड टॉपिक दिया हुआ है आप देख सकते हैं, थर्ड टॉपिक है तृतीय काउंसलिंग एंड मोपअप राउंड में अपवर्ड मूवमेंट नियमानुसार नहीं किया जाएगा। अपवर्ड मूवमेंट का इसमें कोई सिस्टम नहीं है। थर्ड काउंसलिंग एंड मोपअप राउंड में प्रथम व द्वितीय काउंसलिंग ऑनलाइन काउंसलिंग में रिपोर्टिंग कर चुके अभ्यर्थियों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। जिन स्टूडेंट ने फर्स्ट एंड सेकेंड काउंसलिंग में रिपोर्टिंग कर दी है अगर किसी कॉलेज में, तो उनको थर्ड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट के लिए योग्य नहीं है वो। उसके बाद में जो आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट ले जानी है वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, चलो डॉक्यूमेंट के बारे में बता देता हूँ। बहुत सारे मैसेज आए थे मेरे पास में पिछले वीडियो के अंदर कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले विकल्प पत्र, जो आपको इस ये जो नोटिफिकेशन है इसके लास्ट पेज के अंदर आपको एक विकल्प पत्र मिलेगा, उसको डाउनलोड करना है, उसको फिल करना है और वो साथ में लेके जाना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसकी हार्ड कॉपी, टेंथ की जो आपकी कॉपी है, मूल कॉपी अंक तालिका एंड प्रमाण पत्र टेंथ का, और ट्वेल्थ की जो मूल अंक तालिका है और प्रमाण पत्र। उसके अलावा आपको ले जाना है एक प्रवजन प्रमाण पत्र, जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है वो। उसके बाद में आपको ले जाना है मूल निवास, अगर आपके पास में जाति प्रमाण पत्र है तो जाति प्रमाण पत्र, और एक आईडी कार्ड जैसे आधार कार्ड या वोटर आईडी जिसे आपकी राज्य या केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया हो। इसके अलावा अन्य दस्तावेज जो अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय प्रस्तुत किए गए थे, आपने जब ऑनलाइन आवेदन किया था उस समय आपने जो डॉक्यूमेंट लगाए थे, इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा जैसे कोई टीएसपी एरिया किसी एरिया से है तो उन्होंने टीएसपी सर्टिफिकेट लगाया होगा, किसी ने फिजिकल हैंडीक्राफ्ट है तो फिजिकल हैंडीक्राफ्ट का सर्टिफिकेट लगाया होगा, तो वही किसी मिलिट्री वाला है मिलिट्री सर्टिफिकेट, विडो या डिवोर्स जो भी सक्षम है अधिकतर द्वारा जारी किए गए थे वो आपको लेकर के वहाँ पहुँचना है। उसके अलावा दिया हुआ है कि थर्ड काउंसलिंग एवं मोपअप राउंड में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को उपरोक्त मूल दस्तावेजों के अभाव में काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा। अगर आप लोगों के पास में ये डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ये नहीं हैं, तो आपको थर्ड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। उसके अलावा जो भी दिया हुआ है परसेंटेज का दिया हुआ है कि जो जनरल कैटेगरी से है उनके न्यूनतम परसेंटेज 45% होने चाहिए, और अदर जो भी कैटेगरीज हैं उनके अंदर 40% मिनिमम मार्क्स रखे हुए हैं ट्वेल्थ के। उसके अलावा इसमें जो मेन टॉपिक है वो दिया हुआ है कि एज की जो दी हुई है, एज के लिए दिया हुआ है उसमें आप देख सकते हैं कि ये देखिए 31/12/2019 तक 17 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुकी होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें जो मेन टॉपिक है वो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें और कुछ नहीं है, बस यही दिया हुआ है आप लोगों। नीचे विकल्प फॉर्म है, ऑप्शन पत्र जी आपको फिल करना है, कैसे फिल करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपने पिताजी का नाम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपका एड्रेस लिखना है, पूरा गांव तहसील जिला तहसील तक लिख देना, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिखना है, यहाँ पे डेट डालनी है। उसके बाद में यहाँ पे आपको जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज का नाम, उसकी डिस्ट्रिक्ट और उस कॉलेज का पाठ्यक्रम, जो आप उस कॉलेज में पाठ्यक्रम लेना चाहते हैं, ऐसे करके आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें 7 ऑप्शन दिए हुए हैं, 7 कॉलेजों का आप आवेदन कर सकते हैं, जिन कॉलेजों में सीटें खाली रहेगी उसके बारे में। उसके बाद में है यदि उपयुक्त महाविद्यालय व पाठ्यक्रम में सीट रिक्त नहीं हो तो मैं अन्य, अगर इन कॉलेजों में ऊपर वाली कॉलेजों में अगर सीट खाली नहीं है
तो आप अलग से इन कॉलेजों में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो के अंदर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर जिन लोगों के पास में मेरा व्हाट्सएप नंबर है आप व्हाट्सएप नंबर भी मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा नाम वीर सारस्वत है, लगभग सभी पैरामेडिकल स्टूडेंट जानते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। और एक बात फिर से रिपीट करूँगा कि अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल स्टडी पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। ओके गाइस, थैंक यू।